हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एसएससी मैथ्स। कैसे हो आप सब? आई होप सब ठीक होगे। और मैं भी एक्चुअली आई होप सब ठीक होगे। अभी कौन सा यार एप्टीट्यूड सेक्शन टेस्ट 18 देने वाला हूँ मैं। अभी तक मैंने काफ़ी सारे मॉक टेस्ट दे चुका हूँ ऑलरेडी। और बीच में मैंने एक दो मॉक टेस्ट नहीं डाले हैं, तो उनका एक रीज़न है कि मैं वो मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर रहा था, लेकिन बीच में कुछ ना कुछ मेरे को काम आ गया और वो इतने डिफिकल्ट थे और बीच में मेरे को छोड़ने पड़े। पोज करके छोड़े हुए मैंने एक्चुअली। वो दोबारा से री अटेम्प्ट करके मैं दिखा सकता था यूट्यूब पे, लेकिन मैंने वो जानबूझ के अभी नहीं अटेम्प्ट करे। ठीक है, एक दो टेस्ट हैं ऐसे, बाकी के बचे हुए हैं। तो ये शायद लास्ट टेस्ट होगा इसमें, या फिर अगर वो दोबारा अटेम्प्ट करूंगा मैं तो फिर वो दिखा सकता हूँ। ठीक है, मार्क्स की बात नहीं है कोई भी, क्योंकि मेरे कम मार्क्स आते तब भी मैं दिखा देता हूँ, उससे कोई इशू नहीं है मुझे। द कंपनी पेज द डिविडेंड ऑफ 10% फॉर द फर्स्ट ईयर, 15% फॉर द सेकंड, 25% फॉर द थर्ड ईयर। इन्वेस्टमेंट वॉज दिस टोटल डिविडेंड रिसीप्ट 3,000। अगर ये 1/10 है 300, अगर ये 3,000 का ही सब कुछ है तो 15 से 45, 450, 25 से 50, 750, 0, 10, 4, 4, 8, 7, 1,500 रुपये। देर आर 80% इंक्रीज इन अमाउंट इन 8 ईयर्स एट द सिंपल इंटरेस्ट। 4 से 5 हो गया अमाउंट, ठीक है, 8 साल में। देन वट विल बी द सी आई ऑन रुपीज दिस 3 ईयर्स एट द सेम रेट पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। ठीक है, तो रेट निकाल लेते हैं यहाँ से। एक एस आई है 4 पे 8 साल में, 8/100, 4 25, 8 इक्वल टू 25/8। ठीक है, तो 25/8 अगर आर आ गया यहाँ से, ऐसे कैसे हो सकता है? अगर इसको 100 से भी डिवाइड कर लो ना, 25 × 100, 1/32। ठीक है, अगर ये 3 साल में पूछ रहा है सेम रेट पे 32, ये तो बहुत ज़्यादा गंदा आ रहा है, गंदा आ रहा है क्वेश्चन। छोड़ दो इसे, कैलकुलेशन गंदी है। 9/4 की पावर x, देन द वैल्यू ऑफ x हमसे पूछा है 9/4, तो 2/3 में कन्वर्ट करना है इसे हमें। 2 को ऊपर ले जाते हैं फिर यहाँ से, अगर ऊपर लोगे तो उसके माइनस का x हो जाएगा, 2 बाय 3 की पावर माइनस की 2x इंटू में, यहाँ पे कितना है 2 की पावर 3, 3x-1, और ये भी नीचे भी 3 की पावर भी सेम ही रहेगी। ठीक है, इक्वल टू 2/3 की पावर 1। तो अगर ये है यहाँ से, तो -2x + 3x - 3 = 1, x = 4। वन डायगनल ऑफ ए रेक्टेंगल इज इंक्लाइंड 25 डिग्री, 25 डिग्री टू वन साइड ऑफ ए रेक्टेंगल। ठीक है, द एक्यूट एंगल बिटवीन द डायगनल्स हमसे ये पूछा है। ठीक है, तो ये कैसे निकाल ले? अगर ये 90 है, ये 25 है, तो ये कितना हो जाएगा? 90 और 20 70, ओ सॉरी, 90 20 110 70 65, ये 65 आ गया। ऐसे निकालो, ये 25, 25, तो ये भी 25 मान लो। अगर मैं 50 मान लेते तो कम मार के, ये इन्वेस्ट एडिशनल अमाउंट। ठीक है, थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन लग रहा है अभी। वट इज द सी आई ऑन द सम ऑफ रुपीज इज 18% फॉर 3 and 2/4 years, इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली। राउंड ऑफ पूछा है, मुश्किल क्वेश्चन आ गया फिर से। 18% पूछा ना, फर्स्ट सेकेंड थर्ड और ये फोर्थ ईयर का 2/4। ठीक है, तो फर्स्ट ईयर में कितना आ जाएगा 18% इसका? 18×5=0, 18×5=90, 18×18=27, 2700 + 18 सात 126। बहुत गंदा क्वेश्चन है यार। 18×7=100, 18×2=36 और 12 48, 486। छोड़ दो इसे, छोड़ दो। रेशियो बिटवीन द स्पीड ऑफ कार, जीप एंड ट्रैक्टर। कार, जीप एंड ट्रैक्टर इज द स्पीड ऑफ द जीप इज 250% अपन में 100, 25, 50, 5, 50, 2, 2 से 7। ठीक है, 250% मोर देन द स्पीड ऑफ ट्रैक्टर, स्पीड ऑफ जीप और ये ट्रैक्टर।
अगर इसकी दो है तो इसके साथ है। ट्रैक्टर कवर्स डिस्टेंस ऑफ दिस, एक सेकेंड रुक जाओ ना, ये स्पीड का रेशो है। अगर ये इसकी 250% ज़्यादा है द स्पीड ऑफ जीप और ये ट्रैक्टर, ठीक है। ट्रैक्टर के वर्ष डिस्टेंस, जिस ट्रैक्टर की स्पीड है 30, दो की वैल्यू 30 है, 15 की, 7 की वैल्यू कितना है कि 15 सात 105, जीप की स्पीड 105, 5 की वैल्यू 105 है। हमें क्या बताना, व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द कार एंड जीप टुगेदर। तो कार की निकाल लेते हैं, जीप की 21 या 63, ठीक है। तो 63, 168 डिवाइड बाई 2, 2 8 16, 2 चौक। एवरेज स्पीड ओ कार एंड जीप ही तो पूछी है, ये क्या है, 15 सत्तर 105, 21 पंजे 21 से 63, 168 डिवाइड बाई 2, कैसे हो गए, कुछ गड़बड़ करी क्या मैंने। 50 पंजे 50 दूनी 100, 2 से 7। ट्रैक्टर के वैसे डिस्टेंस इन दिस कार एंड जीप, 4 की वैल्यू पूछी है हमसे, 1 के लिए 15 चौक 60, 60 कर देते हैं ना। राम इज 5 years ओल्डर टू श्याम हुज एज इज डबल द एज ऑफ घनश्याम। राम श्याम घनश्याम, ठीक है। राम इज हुज एज इज डबल द एज ऑफ घनश्याम, 1 2 इससे 5x, 2x+5। इफ द सम ऑफ राम श्याम घनश्याम, 2 2 4 1 5, x = 40, x = 8, राम की वैल्यू बतानी है हमें। अर्जुन 16 5 31, ए कैन डू, ए करता है 12 में, बी करता है 5 और 20 में, टुगेदर कितने में करेंगे, 60 5 3 8, 60 बटे में 8, 60 1 में 8 कितना होता है, कर ही लेता अच्छा रहता, 30 60 अपन में 8 4 दूनी 8, 4 15 अपन में 2, कितनी गंदी कैलकुलेशन है, 495 डिवाइड बाय 50+36 गुना में 3.6 गुना में 24 डिवाइड बाय 4 6+ 665 डिवाइड बाय 40 माइनस में 186 डिवाइड बाय 3 इंटू में 15, ठीक है, डिवाइड बाय पहले होगा इंटू में 0.5, 15 अपॉन में 100। ओके, इतना गंदा क्वेश्चन है ये तो। 5 8 5 45, 5 45 9.9, ठीक है। 6 6 216, 21.6, देन 3 5 15, 5 6 30, 5 8 40, 3 43, 5 5 9, 9.3, ठीक है। 4 1 4, 4 6 24, 4 6 24, और 4 2 8, 4 5 20, और 1 0 यहाँ पे 16 पॉइंट ये, ठीक है। 16 और 9 25, और 25 और 20 तो ज़्यादा ही हो गया, 34 44 तुक्का मार देते हैं। टू मैन प्लस में 3 वुमेन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 30 दिन, वेयर आर 5 मैन प्लस 4 वुमेन। क्वेश्चन अच्छा है, इसमें बाद में करने पड़ेंगे सारे। टू कम्प्लीट द सेम वर्क इन 14 डेज, ठीक है। पहले निकाल लेते हैं, 15 दूनी 30, 2 दूनी 4 और 5, m = 2 6 और 4 में से गया 2 वुमेन, m / w कितना गया, 2:1, ठीक है। तो टोटल वर्क कितना गया, 2 दूनी 4 और 3 7 दिए 21, 210, 14 दिन में ख़त्म करना है, 7 दूनी 14 और 7 दिए 21, 15, 15 एफिशिएंसी लानी है हमें। कैसे, वर्किंग विद 7 वुमेन तो 8 ही आ जाएंगे, तो 4 मैन बन जाएंगे हैं। हाउ मेनी मोर वुमेन शुड वर्क, अच्छा वुमेन नहीं पूछी है कितनी ज़्यादा आनी चाहिए, 7 हैं पहले से, 8 वुमेन और चाहिए। अशोपी पर मार्क द शर्ट ऑन दिस अप्लाइड 25% डिस्काउंट, ही स्टिल मेकिंग प्रॉफिट 25%। 4 से 5, 4 से 3, 3 चौक 12, 3 5 15, 5 चौक 20, ठीक है। 20 की वैल्यू 1500, देन द कोस्ट प्राइस हमें बताना है, 2 की वैल्यू 150 है, 6 15 6 90 900। शॉपकीपर बॉट टू रिस्ट वॉचेस 4 रुपीज दिस, ही सोल्ड वन ऑफ द वॉचेस दिस 4 से 3, अदर एट प्रॉफिट 3/20 है 23।
ठीक है, देर वॉज नो प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, यहाँ पे कितने का लॉस हो रहा है, एक का यहाँ पे प्लस तीन का, तो इनको सेम कर दो, इसको तीन से मल्टीप्लाई करो, 3 चौक 12, 3 3 9। ठीक है, अब यहाँ पे माइनस तीन, यहाँ पे प्लस तीन, अब सही है। अब सीपी कितना है इनका, 20 और 12 32, एसपी कितना है, 23 9 32, नो प्रॉफिट एंड लॉस आ गया। इस क्वेश्चन को करने का सबसे बेस्ट मेथड है शॉपकीपर बोर्ड, इसने 32 की कितने 7200 वैल्यू दी हुई है, वट इज द डिफरेंस इन द कॉस्ट प्राइस, तो हमें किसकी वैल्यू चाहिए, 8 की वैल्यू चाहिए, तो इसको 4 से डिवाइड कर दो, 4 से करोगे तो 1800 रुपये आ गया। बेस्ट मेथड बताया मैंने इसका, द एजेस ऑफ टू सिस्टर एंड द रेशो, द आफ्टर 12 ईयर द रेशो बिकम दिस, 9:8, 2 की वैल्यू 12, 1 की वैल्यू 6, डिफरेंस बिटवीन द एजेस, 6 ही आएगा एज डिफरेंस। आमिर इज ट्वाइस एज गुड वर्कमैन एज ब्रिंडन। ठीक है, वर्किंग टुगेदर दे कैन फिनिश अ 3:42 दिया, टोटल काम आ गया, हाउ मेनी डेज आमिर अलोन, 21 दिया 63 पर कर देंगे। सेल्स हमें दी हुई है द पब्लिशर कंपनी फॉर द 2 सक्सेसिव ईयर, व्हाट इज द रेशियो द टोटल सेल्स फॉर सी टू फॉर बोथ द ईयर्स, सी टू फॉर बोथ द ईयर्स 80 और 90 170 रेशियो में, सी फॉर बोथ बोथ द ईयर्स सी फॉर ई 68 7 95, और सी फॉर ई नहीं भूल सकता मैं कभी, 67 8 75 और 80 70 155 155, 5 31 5 15 5 24 34 31। इन एन ऑर्गेनाइजेशन देर आर लोट ऑफ फोर्ट देर आर टोटल ऑफ 14 प्लेस कंजिशन 5 कंजिकेटिव ऑफिसर 15, छोड़ दो इसे अभी। एलसीएम ऑफ एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स इज दिस, टू नंबर्स आर 28 एंड आर इन द रेशो, अच्छा एलसीएम और एचसीएफ का रेशो बताना है हमें, एलसीएम कितना हो जाएगा इसका, एलसीएम कितना हो जाएगा 84 और एचसीएफ कितना हो जाएगा 14:6:1। द एवरेज वेट ऑफ एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड का एवरेज कितना, 3 28 84, 384 सम आ गया। एवरेज वेट ऑफ एक्स वाई का कितना जाएगा, 246 सम आ गया। ठीक है, तो वाई एंड जेड का सम कितना जाएगा, 133 होनी 266। हमें क्या बताना है, वाई की वैल्यू बतानी है, एक्स वाई यहाँ से सीधा माइनस कर दो, हो गया खत्म, 54 और 4 58 और 80 138 है, 54 4 58 और 80 346 266, 128 आएगा क्या। सपना इन्वेस्ट इन अमाउंट ऑफ दिस टू बिजनेस आफ्टर 6 मंथ्स, ख्याति ज्वाइन द बिजनेस विद दिस, ओके ओके। सपना 80 80,000 है ना, हाँ 80,000 के साथ ज्वाइन करती है, फिर ख्याति आती है 6 महीने बाद 30,000 अमाउंट से। ठीक है, तो इसने 12:2:1 उसका वो आ गया टाइम इन्वेस्टमेंट, ये आ गई। ठीक है, 3 4 0 हटाई दो यहाँ से, 8 और 3 का रेशो आ गया। इफ दे टोटल प्रॉफिट इज दिस, 8 2 16 3 3 19 की वैल्यू है, 19 19 19 कट ही नहीं रहे, तो राउंड ऑफ पूछा गया हमसे। ठीक है, आफ्टर 1 ईयर दे आर द शेयर ऑफ ख्याति पूछा है हमसे, 255 100 / 19 × 3। ठीक है, 3 5 15 3 5 15 1 16, 3 2 6 और 1 7 डिवाइड बाई 19 19 76 और 4001 ही है, 19 57 19 38 402 करके आ गए। एक ट्रैंगल ए बी सी, बी इजगल 90 डिग्री, ए बी सी, सी इजगल 45, तो ए बी 45 आ गया, ए सी इजगल 4, अगर ए सी 4 है तो ये दोनों सेम है, ए और ए, तो कितना आ जाएगा, 2a² = 16, a² = 8। हमें क्या बताना है, बी सी की वैल्यू बतानी है, बी सी ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2√2। ए प्लस बी इजगल 90, एक्सप्रेशन की वैल्यू बतानी है हमें, अगर 45 45 45 रख दो इनको तो 1, तो ये हो जाएगा प्लस में 1/2 प्लस में 1/2, कितना आ जाएगा, 2 आंसर आ जाएगा। 2 कितने पे होता है, 45 पे, कोस एक्स स्क्वायर भी होता है और सेक्स स्क्वायर है इसमें, कोस एक्स स्क्वायर ए और कोस एक्स स्क्वायर भी कुछ भी हो सकता है ऐसे, तो कैसे करें फिर, ये 3 4 5 रख दूँ मैं, इनसे कोई मतलब नहीं है फिर तो हटा दो उसे, 3 4 5 रखते हैं, ए प्लस बी 90 होता है 3 4 5 में। ठीक है, 3 4 5 फटाफट रख दो कोट, ए कितना आ जाएगा वहाँ पे, ए एरा बी एरा सी एरा। ठीक है, तो कोट ए कितना आ गया हमारे पास, 3/4। ठीक है, कोट बी कितना आ गया हमारे पास, कोट बी अगर यहाँ से 4/3, 4 नीचे आएगा 3 ऊपर। ठीक है, प्लस में को स्क्वायर ए कितना आएगा हमारे पास, 9/25, प्लस में को स्क्वायर बी कितना आएगा हमारे पास, 16/25, तो ये तो हो गया 1। ठीक है, 3 3 9/16 प्लस में 1, 16 9 25 1 में 16, 25 1 में 16 किस में आ रहा है हमारे पास,
25 अपॉन में 16 आएगा हमारे पास कोस एक्स स्क्वायर ए, ठीक है वही आ गया। रमेश बोरोड 15,000 एट द सर्टेन, 2 मिनट रुक जाओ, पाइप ए कैन फिल द, इतना 3 3 3 8 24 बी कर रहा है उसे 8 5 40 में भर रहा है, सी एम्प्टी कर रहा है, वेल ऑल द पाइप्स आर थ्री ओपन टुगेदर फॉर 8 आवर्स, देन 2/5 ऑफ द पार्ट ऑफ द टैंक इज फिल्ड अप, तीनों मिलके कर लिख ले तो ना, ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलके कितने में करते हैं, 8 घंटे में 2/5 भरते हैं, 2/5 8 घंटे में भरते हैं ऐसे मान लो, ठीक है। तो एक फुल कितने में भरेंगे, 4 5 20 में, ठीक है। तो इनका एलसीएम कितना जाएगा, 24 5 120, 30 6 5 5 3 8, तो इसकी ऑप्शन थी 2 खाली करने की आ गई। देन हमसे क्या पूछा, बी एंड सी टुगेदर कैन फिल 5/8, 5/8 करेंगे तो 15 × 75 हमें कितने में भरेंगे, 5 और 3 8, इसकी ऑप्शन सी है, तो गड़बड़ कर दी मैंने, 5/8 इंटू 120 का 5/8 हमें करना है, और बी और सी से 5 और 1 5 और 3 8, तो गंदा हो गया, 75 आएगा, तुक्का मार देते हैं, अभी कुछ गड़बड़ हुई है। इफ अ पाई चार्ट इज कंस्ट्रक्टेड फॉर अबव डेटा, ठीक है, व्हाट विल बी द एंगल ऑफ सेक्टर रिप्रेजेंटिंग द नॉन फिक्शनल बुक्स, 1800, ठीक है, टोटल कितने हमारे पास, 2400 3600 8 5 5 59 69 79 79 360, ठीक है, 18 6 108, 58 54 10 64 डिवाइड बाय 79 किससे जाएगा, 8 4 64 आठ से जाएगा, ये 8 9 72 8 9 72 और 856 7 63, हाँ 8 करके एक ही ऑप्शन में, कितने क्वेश्चन छूट गए। राम बोरोड 15,000 एज सर्टेन रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट फॉर अ बैंक, ही रिपेड द प्रिंसिपल बट नॉट इंटरेस्ट 6,000 आफ्टर 5 ईयर्स एंड आफ्टर 5 मोर ईयर्स ही पेड इतना एंड सेटल हिज अकाउंट, फाइंड द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट में टोटल 10 साल में उसने कितना लिया, देख लो अमाउंट कितना 10 साल में उसने कितना दिया, 18,24,600 दिया सिंपल इंटरेस्ट है बिल्कुल, तो कितना जाएगा, 15,9,600 उसने इंटरेस्ट दिया, कितने साल में, 10 साल में इंटरेस्ट दिया, प्रिंसिपल 15 150 मान लो, उसको आर कर लिख लो यहाँ पे, ठीक है, 0 0 काट दो यहाँ से, 96 अपॉन में 15 गड़बड़ कर दिया मैंने कुछ, आफ्टर 5 मोर ईयर्स ही रिपेड रुपीज दिस द प्रिंसिपल बट नोट इंटरेस्ट, छः और 18 24,600 ही तो आएगा, 9,600 इंटरेस्ट आएगा, अगर इसमें से इंटरेस्ट ले लें 3600 मान लो इंटरेस्ट को, तो 15 15 20 15 60 12% तुक्का मार देते हैं अभी। ये वाला तो बहुत गंदा क्वेश्चन है, लग नहीं रहा कुछ भी होगा इसमें। विद द इनिशियल इन्वेस्टमेंट इन द रेशो दिस ए बी सी स्टार्टेड अ बिजनेस, ए बी सी, ठीक है, एट द एंड ऑफ 6 मंथ्स ए इन्वेस्टेड एन एडिशनल अमाउंट इन सच अ वे दैट द टोटल इन्वेस्टमेंट मेड बाय हिम बिकम्स इक्वल टू बीज इन्वेस्टमेंट, ठीक है, ए बी सी 3 4 5 है, ठीक है, 6 महीने तक तो इसने 3 ही इन्वेस्ट करे, 6 18 और बी के इक्वल आ गया ना ये, तो इसने 6 महीने बाद एक और इन्वेस्ट कर दिया, तो 4 6 24, ठीक है, इक्वल टू बी इन्वेस्ट, बी शेयर इन द प्रॉफिट इज दिस, तो इसने 4 1248 और 12 5 60, तो टोटल कितना आ गया, 24 और 28 18 42, 42 और 8 50 40 90 60 150 टोटल प्रॉफिट है, 150 की वैल्यू हमें नहीं पता अभी, रुक जाओ, टोटल प्रॉफिट हमसे पूछा है, 48 की वैल्यू 4000 है, अपॉन में 48 इंटू में गड़बड़ हुई है क्या कुछ, 3 3 16 50 16 2 32 16 85 25 125, कुछ ही गड़बड़ नहीं हुई। अभी सारे लेंदी क्वेश्चन रह गए हैं। इन एन ऑर्गेनाइजेशन देर आर लॉट ऑफ
देर आर टोटल ऑफ 40 एम्प्लॉइज कंसिस्टिंग ऑफ 5 एग्जीक्यूटिव ऑफिसर 15 स्टाफ वी जूनियर द मंथली सैलरी ऑफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सीनियर स्टाफ एंड जूनियर स्टाफ इज दिस 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 व्हाट इज द एवरेज हमसे पूछी है। कुछ भी नहीं करना था यार इसमें तो। एग्जीक्यूटिव 5 है तो 25 5 125 ठीक है। जूनियर सीनियर स्टाफ कितना है हमारे पास 15 15 8 120 और 45 दूनी 90 5 9 तो 11 तो 13 और ये 3 डिवाइड बाय कितने करना था 40 4 8 32 ठीक है 4 3 12 डी ऑप्शन आ गया हमारा। और ये तो क्लोज क्लोज है और क्वेश्चन भी थोड़ा डिफिकल्ट है। 80% सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट ये भी लेंदी क्वेश्चन है, स्किप कर देते हैं और अभी आंसर देखने पड़ेंगे इसको तो खुद से सोल्व नहीं करूँगा मैं। 96% दो क्वेश्चन गलत हो गए तो ये वाला तुक्का ही मारा था और ये वाला भी तुक्का मारा था। हर बार तो ठीक होंगे तुक्के, ये तो ठीक है सिंपल क्वेश्चन था। 80% इंक्रीज इन द अमाउंट इतने बंदों का ठीक है तो रेट कितना 10% आया था बस। एक सेकेंड रुको दोबारा चेक करूँ मैं रेट। 80% देर इज 80% इंक्रीज इन द अमाउंट इन 8 ईयर्स एट सिंपल इंटरेस्ट 4/5 से 9 गड़बड़ तो यहीं पे कर दी थी मैंने। 4 इंटरेस्ट आया 5 पे 8 साल में रेट निकालना है 4 × 8 10% रेट आ गया था। खत्म क्वेश्चन वहीं पे, सिंपल था ये वाला करना चाहिए था। एंड ये वाला तुक्का मारा था रुको जाओ, ये वाला तो सोल्व किया था, ये तुक्का मारा था मैंने 50 25 25 130 तो निकालना क्या था 130 तो निकाल लिया था। द एक्यूट एंगल बिटवीन द डायगनल्स 130 है तो DOA DOA अच्छा इधर से एक्यूट निकालना था हमें ठीक है। तो कमार के क्वेश्चन कुछ कर ही दिया, ये वाला अच्छा क्वेश्चन था लास्ट में करा दिया, ये वाला कैलकुलेशन है इसमें कुछ नहीं है। और रेट कितना निकला है हमारे पास पी इंटू 1+R बाय 100 के ओवर एन, इस फॉर्मूले से वैसे कभी नहीं होता, इतनी गंदी कैलकुलेशन है ना इसमें, स्किप कर सकते हो इस एग्जाम में इतनी गंदी नहीं पूछेगा ठीक है। और ये भी देख लेता हूँ इन्होंने कैसे करा, कुछ भी नहीं करा इसमें कैलकुलेशन थी। और ये वाला अच्छा क्वेश्चन था, ये मैंने सिर्फ ऑप्शन से कर दिया फटाफट। ये भी ये वाला 3 4 5 से जो मैं बताता हूँ ना हमेशा, ये बेस्ट मेथड बताता हूँ, अभी नसर ने सिखाया था ये वाला कैसे कराया इन्होंने। द फर्स्ट 5 ईयर इंटरेस्ट इज 15,000 में 5 अच्छा क्वेश्चन तो है, समझना पड़ेगा। फर्स्ट रीपेमेंट 6,000, सेकंड रीपेमेंट इंक्लूडिंग द रिमेनिंग प्रिंसिपल, दिमाग घूम रहा है थोड़ा सा, स्किप कर दो इसे छोड़ो, ऐसे क्वेश्चन आएंगे नहीं, मैं यही मान के चलता हूँ नहीं आएंगे। जो क्वेश्चन मुझसे नहीं हुए तो 99% केसेस है वो नहीं आएंगे, 1% मैं रिस्क लेके चलता हूँ हमेशा ठीक है। यहाँ पे ऑलमोस्ट सारे करा दिए मैंने, मॉक टेस्ट जितने भी थे सेक्शन टेस्ट, जो बचे हुए मैं शायद री अटेम्प्ट करके ही दिखाऊंगा क्योंकि वो तो बेकार हो चुके हैं ठीक है। तो अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू। और एक्चुअली एक और प्रमोशन रह गया लश कि ये आपको सारे टेस्ट मिलेंगे कहाँ पे, टेस्ट बुक में मिल जाएंगे आपको ये सारे टेस्ट 307 रुपये में मिल रहा है अभी। आज़ाद पास चल रहा है, आज़ाद सपनों का पास चल रहा है, इंडिपेंडेंस डे की इनकी सेल चल रही है जिसमें आपको सबसे नॉमिनल प्राइस पे मिल रहा है। मेरा कोड यूज़ करोगे तो 307 का मिल जाएगा, SSS10 ठीक है। किसी का भी कोड यूज़ कर सकते हो आप, उससे कोई मेरे को मतलब इतना मैटर नहीं करता, जो भी जिससे भी आप पढ़ते हो उससे कर सकते हो ठीक है। इसमें आपको प्रीवियस के क्वेश्चन से एक जगह कंपाइलेशन मिल जाएगी और जो कि मैं हमेशा से प्रेफर करता हूँ टेक्स्ट बुक,
और अभी रिसेंटली जब तक एग्ज़ाम नहीं होता, 1 महीना बचा है, तो मैं जितने मैक्सिमम नंबर ऑफ इसमें टेस्ट अटेम्प्ट करने वाला हूँ, ठीक है? टेस्ट बुक सही करता हूँ मैं सब कुछ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू। हाँ, एक और चीज़ मैं बताना आपको भूल गया कि ये जो इनकी सेल चल रही है 14 और 15 की है, जिसके आपको दिख भी रहा है इसमें, और 15 की मिडनाइट तक ये 600 रुपये तक जा सकती है इनकी सेल, जैसा कि उन्होंने बताया मुझे। तो अभी 2 दिन हैं आपके पास, जिन्होंने परचेज़ नहीं किया है उन्हें उन्हीं के लिए बोल रहा हूँ, तो जाके परचेज़ कर सकते हो, ठीक है? सबसे लोएस्ट प्राइस अभी आपके लिए अवेलेबल है, ठीक है? एग्ज़ाम आ चुका है तो अभी ज़्यादा देर मत करो, ओके?